मिनिस्टर मर गया है, हार्ट अटैक। साफ साफ हिंदी में बताएं तो दिल का दौरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा लिखने में डॉक्टर को कोई नुकसान तो नहीं? उसका कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं इंक्वायरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूं डॉक्टर बस हार्ट अटैक लिख करके कलम को बंद कर दे। एनी मोर डाउट? हाँ, ऐसा ही रहना चाहिए। ओके जी, नमस्ते। अरे मुझे इतनी इज्जत मत दो यार, चाहे कुछ भी हो, मेरे मंत्री के अंतिम कार्यक्रम के बाद उस सीट पर तुम ही बैठने वाले हो, बैठो। आपकी बात तो सही है नटराज सर, इलेक्शन के वक्त मैं आपका बहुत इंतजार कर रहा था सर। किसने कहा इंतजार के लिए? आप ही ने तो कहा था सर। ऐसा क्या? जो भी चल रहा है उसे चलने दो यार, ये पॉलिटिक्स है, मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं देता। ये बहुत नसीब वाला है, बेचारे को सोते वक्त ये भी नहीं पता कि ऊपर वाला कब जान ले लेगा। अरे सर, मंत्री मरने के बाद लोकसभा में एक सदस्य कम हो जाएगा, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी न होते हुए भी वो सरकार चला रही है, और आज की डेट में अपोजिशन पार्टी को एक सीट जरूर एक्स्ट्रा मिलने वाली है। उसी लिए तो पैदा हुआ है हमारे कृष्णा का बेटा विश्वनाथ। बाई इलेक्शन अगर हार भी गया तो कोई बात नहीं, वो हमें सपोर्ट करेगा क्या? अकेले ही पार्टी से निकल गया, बाप का बेटा है वो, दो पार्टियों में अकेला ही जीतता है वो। तो क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर का लाडला है विश्वनाथ, जरूर सपोर्ट करेगा, ये बात सीएम ने कही तो है। सपोर्ट मिलेगा क्या? आने वाले इलेक्शन में होम मिनिस्टर तुम ही बनोगे। मरे हुए मंत्री के कार्यक्रम को खत्म होने के बाद सब लोग बैठ करके मीटिंग करेंगे, फैसला भी ये नटराज ही करेगा, यही होगा जो कहा यही होगा। नहीं नहीं नहीं, वही नहीं सकता, तू माने हमारी बात, वही बनेगा, आपकी बात मान ही नहीं सकते, मानना भी नहीं चाहिए, तू माने वही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर शांत रहो, मैं सर से बात करता हूँ। सर ये सही कह रहे हैं सर, इतने सालों से ईमानदारी से हम आपके साथ जुड़े हुए सर, और कल काया लौंडे को आप मिनिस्टर बनाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना सर, हमें आप क्या समझते हैं सर? हाँ भले हमारा राज खत्म हो जाए, लेकिन विश्वनाथ को हम होम मिनिस्टर जरूर बनाएंगे। अब उनको क्या कमी है जो उनको सपोर्ट करने के लिए हम सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं? सच बताइए सीएम साहब, क्या विश्वनाथ को मंत्री बनाने के लिए क्या आप ही ने बालकृष्णन को जान से मरवाया है? डियर मिस्टर मिनिस्टर, हमारा बात पे कभी भी सच्चाई न हो, मैं सीएम हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता है। राजनीति में वो पिलर की तरह है, उसके चले जाने से मंत्रिसभा कैसे चलेगी? राजनीति दुश्मनों और राउडीज के हाथों में और धोखेबाजों के हाथ में चली जाए, इससे तो अच्छा है हा? विश्वनाथ को हमें अपने पास रखना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है, और उसका एक कारण भी है, उसके पिताजी और हमने उसकी बहुत बेइज्जती की, उसी दिन मैंने फैसला कर दिया था, उसी दिन मैंने प्रण किया था कि उसे होम मिनिस्टर बना करके ही रहूंगा, और तुम लोगों को पता है कि मैं अपनी जबान का पक्का हूं। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, हम उससे सपोर्ट मांगेंगे तो वो जरूर हमें सपोर्ट करेगा सर, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल अलग है, इससे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन इस समस्या को अगर हम अपने मन में रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट होम मिनिस्टर कौन बनेगा ये हम फैसला करेंगे। तो मैंने भी अपने किए वादे की इज्जत करूंगा और उसे पूरा भी करूंगा। नटराज सर, आपको पता होगा सिर्फ उसके पार्टी में होने से हमारी पार्टी बड़ी नहीं हो जाएगी, 8 लोग और भी हैं मेंबर हमारे साथ, तो फिर उन 8 लोगों को अभी हटा दो, हम चाहे तो दोबारा री इलेक्शन करेंगे। इस पार्टी को कैसे चलाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कोई खिलवाड़ नहीं है ये, और होना भी नहीं चाहिए, आगे की पूरी कार्रवाई और स्ट्रेटेजी मैं बना चुका हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए वही बनेगा होम मिनिस्टर, उसके लिए हमने क्या क्या किया ये बात तुम लोग नहीं समझोगे और न समझने की कभी कोशिश करते हो, तुम लोग जानते हो अगर वो होम मिनिस्टर नहीं बना तो हमारा इलेक्शन जितना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, अगर वो हार्ट अटैक से मर गया तो। नहीं, सीएम तो विश्वनाथ को ही पसंद करते हैं, उसके सिर पर ये ताज रहने दो, मैं जानता हूँ धोखेबाज है उसका पिता, पर उसको ही रहने दो, क्या कर सकते हैं, उनकी चाहत है तो उन्हें अपने बेटे को ये ताज देने दो, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे वो काम करने दो। क्यों सर, मैंने सही कहा ना, आप उसे ही वो पद दे दो। मैं विश्वनाथ ये शपथ लेता हूँ तमिलनाडु के मंत्री पद पे, मंत्री बन के पूरे तमिलनाडु की सेवा करूंगा और उनकी हिफाजत भी करूंगा, जाति धर्म को ना देखते हुए सबकी एक समान सहायता करूंगा और पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने मंत्री पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा और आप सभी लोगों की तहे दिल से सेवा करूंगा और आप सभी से जो भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा करूंगा और अपने राज्य को एक खुशहाल राज्य बनाऊंगा। हम बिना घुमाए फिराए सीधा मुद्दे की बात करेंगे, समझ गए ना डीजीपी सर? बैठिए,
आपको तो सब मालूम ही होगा, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं जी पाता। मैं ऐसे सभी लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सर सच बताऊँ तो सिर्फ एक रात में तमिलनाडु पुलिस यहाँ ठीक से काम करे तो सभी दुश्मनों का सफाया हो सकता है। बस एक बार अगर हमने उनके खिलाफ सख्ती बरती ना, तो हमारे देश के लोग अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन सर ये पॉलिटिक्स। मैं भी ये बात करता हूँ। इसी ट्रिक से राजनीति करने आए लोग कंधे पे गमछा डालकर राउडियों का सपोर्ट करते और देश का नाम खराब करते हैं। हमारे यहाँ की औरतें जो हथियार यूज करती, उसका नाम क्या है सर? उसका नाम बेलन है। हाँ वही वही। अगर उसी से उन्हें एक घंटा उल्टा लटका कर मारेंगे तो कोई भी हमारे देश में कुछ गलत करने का नहीं सोचेगा, और ना ही कोई हमारे देश के बारे में गलत सोचेगा। इसी तरह हम उनका सफाया भी कर सकते हैं। सही है सर। और अपने यूनिफॉर्म को कोई ना ही गुंडों के सामने, ना ही पैसों वालों के सामने, ना ही गुलामों के सामने ना वर्दी उतारना पड़ेगा और ना ही उनके सामने झुकना पड़ेगा। ऐसे पुलिस वाले चाहिए जिनको देखकर गुंडों की रूह कांप जाए। ऐसे 10 पुलिस वालों को ढूंढो जिसको हमारे देश की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर्टेनली आई विल टेक द नेसेसरी एक्शन, बट वन थिंग, आपके कहने के अनुसार उन 10 को हमारे डिपार्टमेंट में ढूंढना बहुत मुश्किल काम है सर। तो फिर उसे आसान बनाओ। हमारे पुलिस वालों को वीरता और कामयाबी में हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन पहले के नेताओं ने उन्हें काम नहीं करने दिया, उनका हाथ बांधकर अपने पीछे घुमाते थे। ये बात आप समझ गए और इस बात से बहुत खुश हैं। 450 पुलिस स्टेशन में और 60,000 जो पुलिस वाले हैं वही हमारी जायदाद हैं। सिर्फ एक बार टिगर दबाए तो हर मिनट में 800 गोलियां बाहर आएगी। AK-47 हथियार रखने वाले आतंकवादियों को संभालने के लिए ही हमारे पास रहे बंदूक की गोलियां अगर हमारे आदेश अनुसार चले तो, नहीं तो हम आतंकवादी नहीं बल्कि बिल्ली मारते रह जाएंगे सर। हमें सब बदलना होगा। अगर हमारे बगल के स्टेट में बम ब्लास्ट हुआ तो, और हमारे यहाँ नहीं होगा हम यही सोच रहे थे, लेकिन हमने कभी करने की कोशिश नहीं की। लोग हमारे मूंछ के नीचे और नाक के अंदर घुसकर बैठ गए हैं, CBI रिपोर्ट है सर। इसीलिए हमारे शहर में हर गुंडों के पीछे, छोटा हो या बड़ा, पुलिस रहनी चाहिए। हाँ। मेरे लोगों को अगर कोई समस्या हुई तो इसे देखकर मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ। हमारे सभी साधारण लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए, और किसी भी राजनीति पार्टी की गुलाम नहीं बनेगी हमारी ये पुलिस। सर लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। आप जैसा अच्छा नेता मिलने से हमारी हिम्मत बढ़ गई है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा सर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो सर। मैं चलता हूँ सर। जय हिंद सर। हमारे खिलाफ खड़े रहने वाले से हमें डरना नहीं है, और कमजोर लोगों का बेवजह खून नहीं बहाएगी हमारी पुलिस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रेस वाले अपने TRP के लिए मरे जा रहे हैं। मैं आपके साथ आ रहा हूँ, ये देख लिया तो उनके तो मजे हो जाएंगे, लेकिन बाकी मंत्री जलकर मर जाएंगे सर। यहाँ पर जितने भी मंत्री रहते हैं उनके पीछे चलने वाली गाड़ियों का डीजल का खर्चा कम किया तो, यहाँ पर रहने वाले सभी गरीबों को सिर्फ 1 किलो चावल हम 1 रुपए में दे सकते हैं। हर मंत्री अपनी गाड़ी पर सायरन बजाते हुए जाता है, वो उनकी गाड़ी है या फिर कोई एम्बुलेंस है। अगर किसी नेता का बेटा गाड़ी में जाता है तो उसके आगे पीछे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है। अब अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे डंडे से मारना, समझ गए ना? खून करने की इरादे से जो निकला है खून ही करेगा, लेकिन किसी ताकतवर आदमी को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया तो खून करने वाले को वहाँ से भागना ही पड़ेगा। हाँ। ऐसे को मैं जरूर खड़ा करूंगा। हेलो। हाँ मैं विश्वनाथ। मैं बोल रहा हूँ नटराज। बोलिए ना सर। ये बताओ तुम क्या बिजी हो? बात क्या है वो बोलिए। उम्र कैद में रहे पिछले 5-6 सालों से जो कैदी कैद में हैं, उन्हें रिलीज करने के बारे में जेल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन होम मिनिस्टर के पास से आई थी क्या? हाँ। उसके लिए उन्होंने कोई सलूशन नहीं दिया है क्या? लेकिन वो सब भी मर गए थे ना, उनका लिस्ट में नाम नहीं था। उनको रिलीज करने के लिए एक भी नाम लिस्ट के ऊपर मौजूद नहीं था। वन मिस्टर बालसुब्रमण्यम। बाल सुब्रमण्यम? हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है भाई, अगर तुम चाहो तो। मैं अभी अभी पद पे आया हूँ, फाइल पढ़कर बताऊंगा। क्या हुआ सर बाला सुब्रमण्यम को? तुम उस आदमी को जानते हो क्या? जानता हूँ सर, वो एक आतंकवादी है। मैं नॉर्थ मंडल में IG रहते वक्त एक इंस्पेक्टर हुआ था। ये माधव को ट्रैफिक इंचार्ज बनाने के बाद सिटी पूरा ट्रैफिक से बढ़ गया सर। दरअसल सर उस कॉर्नर के पास से रोड डाइवर्ट कर दिया गया है, इसीलिए ट्रैफिक बढ़ गया है। हे दरवाजा।
फेंको। अरे स्कूल जा रही हो क्या? हाँ टाटा। हाँ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, आजा प्यारी बेटी, बैठ जाओ, चलेंगे। वो उठ गया है क्या? उठ गए हैं और पेपर पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जब नीचे आएगा तो मैं उससे मिलती हूँ। ये सुबह सुबह सास बहू में क्या डिस्कस चल रहा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये ले प्रसाद ले। क्या माँ, अभी भी यही सब लगा के रखा है? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, बच्चा नहीं रहा मैं। सिर्फ आज के लिए मम्मी की बात मान लीजिए ना, वो सुबह सुबह उठ के आपके लिए मंदिर गई थी। ओह ठीक है, माँ मेरे लिए प्रसाद लेकर आई है तो माँ ही मेरे माथे पर लगा दे। आज का दिन किस लिए खास है पता है? सब दिन की तरह आज का भी दिन होगा। आज का दिन नहीं है, आज तेरा जन्मदिन है। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। कंगा, ऊपर से जाकर मेरी फाइल लेकर आओ, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। जब देखो आपकी मीटिंग ही रहती है, परिवार के लिए भी आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ये मजाक कर रही है, इसे जाने दो। जन्मदिन के दिन भी मैं अपनी स्टाइल में अच्छा लगूंगा। बहुत अच्छा, कोई भी नजर नहीं लगाएगा, डरना मत। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब बड़े बात करो तो बीच में मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, समझ में नहीं आता। अभी भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो आपस में। तुम मिनिस्टर बन गए हो लेकिन अभी भी बच्चे हो। तुम फालतू की बातें बंद करो और जाकर पढ़ाई करो, जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे आप अचानक यहाँ पर आज कैसे? अब हमारे बीच में प्रोटोकॉल फॉर्मेलिटीज की क्या बात है? हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई थी बाला सुब्रमण्यम के बारे में। हाँ, आप इस केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, मुझे उसका एड्रेस पता करना था, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, ये उसका पहला अटेम्प्ट कहाँ था, पैसा दे करके उसने पहली ट्रेनिंग कहाँ ली थी, वो जानना है। इंडिया को डराने वाला मुंबई टेरर अटैक में पकड़ा गया, अजमल कसाब का भी ये फर्स्ट अटैक है। अरे नहीं, ये बिल्कुल वैसा केस नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। मैंने उसे रिलीज कराने के लिए मैंने एक लिखा हुआ पत्र रिव्यू कमेटी को गवर्नमेंट से रिकमेंड करवाया था, उस पर पुराने होम मिनिस्टर ने साइन किया था, लेकिन सॉरी इस बात के लिए नटराज सर मुझसे यहाँ मिलने के लिए आएंगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। उसकी सारी डिटेल्स मुझे अच्छे से पता है, जिन लड़कों के पास काम नहीं रहता उन्हें पकड़कर उन्हें आतंकवादी बना देता है और हमारे मशहूर शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, मुंबई में, कश्मीर में, आसाम में, वहाँ पर जैसा किया वैसा ही तमिलनाडु में भी करना चाहते हैं, यही उनका टारगेट है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये हमारी पुलिस की इंक्वायरी और पूछताछ ही है सिर्फ, आप तो हमारे पुलिस को बहुत अच्छी तरह जानते हो, चोर को पकड़ने के अलावा सड़क से किसी को भी पकड़ कर ले आते हैं, ये तो उनके लिए छोटी सी बात। प्लीज, इसके बारे में मुझे और बात नहीं करनी, आप जाकर उसके वकील को ये बात समझा देना, वो जितनों को भी सिफारिश के लिए भेजे या जितनों को भी पैसा देगा या जितनी भी गलत रिपोर्ट बनाए और वो रिपोर्ट मुझे दे, लेकिन उस रिपोर्ट पर ये होम मिनिस्टर विश्वनाथ कभी भी साइन नहीं करेगा। So please. बाहर जाने का रास्ता मैं अच्छी तरह जानता हूँ मिस्टर विश्वनाथ, मेरा काम था समझाना, नहीं तो अच्छी तरह समझाना जानता है नटराज, समझ गया ना? चलता हूँ। जरूरत पड़े तो मैं एक रास्ता बता देता हूँ, अचानक से अगर हार्ट अटैक आ जाए तो मेडिकल साइंस में उसे कहते हैं कॉर्डियक अरेस्ट। आज 14 नवंबर है, ऑफिशियली कोई काम नहीं है, फिर मैंने सोचा कि असेंबली में जाकर मैं देख कर आऊं, लेकिन वहां जाकर मुझे फायदा हुआ। अगर मुझे इस बात की जानकारी नहीं होती, जोसेफ भाई हॉस्पिटल में थे और अब वो डिस्चार्ज होकर बाहर आ गए। ये मेरे पिताजी के जिगरी दोस्त हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे गुरु हैं, फिर भी मैं उनको भाई कह रहा था क्योंकि मेरे पिताजी जो उन्हें कहते थे मैं भी वही कहता था। फालतू चीजों पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ने वाले ये ऐसे इंसान हैं, घर के अंदर बैठकर सूरज को भी ये देखना पसंद नहीं करते, उनके आसपास कोई रिश्तेदार ना हो यही सोचकर ये अकेले जीवन व्यतीत करते हैं, ये अकेले शेर हैं। अंदर आजा भाई। मिनिस्टर को बात करने के लिए टाइम हो तो बात कर सकते हैं, पीने के लिए यहाँ पे सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं है। तुम बिजी हो, पूरा स्टेट घूमने से तुम्हें फुर्सत कहाँ है,
इस बुड्ढे से मिलने के लिए आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए मिनिस्टर साहब? मुझे आज ही पता चला कि आप डिस्चार्ज हुए। बाहर कभी भी नहीं गए, ऐसा रहे तो ऐसा ही सोचा होगा। 70 सालों से मुझे बोनस अलाउंस के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। अभी दोबारा अटैक आए तो मैं जरूर चला जाऊंगा, फिर तुम्हें मुझसे मिलने के लिए शमशान ही आना पड़ेगा। मेरी बात मानिए, आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाइए। इन सब की क्या जरूरत है, मुझे जिंदगी से तंग आ गया हूँ। आहा, तुम इस लाल बड़ी गाड़ी से आए हो, पुलिस के साथ नहीं आए क्या? मैंने मना किया था। ओ न्याय, आज के जमाने में भला कहाँ मिलने वाला है। वैसे भी कोई है क्या इस शहर में न्याय के रास्ते पर चलने वाला, कोई है भी क्या? तुम्हें जिंदगी जीना सीखना चाहिए, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मदद करने वाले और साथ देने वाले लोगों को तुम्हें भूल जाना चाहिए, रिश्ते नातों को छोड़ देना चाहिए, तब कहीं जाकर के तुम बड़े मंत्री कहलाओगे। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, और अगर तुमने गलती की तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। ये है पार्टी और पार्टी का न्याय, अच्छा ही नहीं होना चाहिए। मेरी बात मानिए, आप तकलीफ मत उठाइए। जाने दो जाने दो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा पिता जो जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा था, तो तुमसे क्या डर जाऊंगा मैं। सबसे पहले गरीबों की मदद करने के लिए आगे आने वाला मैं, फिर पार्टी के आगे बढ़ने के बारे में सोचने वाला। लेकिन सबने मिलकर मुझे जेल भिजवा दिया था, इल्जाम लगाया कि मैंने लोगों के खिलाफ गलत कदम उठाया, बचपन से पार्टी के भले के लिए सोचा और धोखेबाज कह के मुझे पार्टी से बाहर निकलवा दिया गया था। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते थे उन लोगों ने ही मेरा पूरा सपोर्ट किया था। पद के लिए मैं कभी कुछ नहीं सोचा था। उस वक्त पुलिस के मार से मुझे कभी पानी भी न मिले ऐसा बंदोबस्त किया था लोगों ने, लेकिन फिर भी मेरे हौसले में कभी कोई कमी नहीं आई थी। कौन क्या है उसी दिन देख लिया था मैंने। तुम्हारे पिता को कभी न्याय नहीं मिला, इसलिए उसके जीत की शक्ल में तुम हो, ये मत भूलना तुम बेटा। नहीं जोसेफ भाई, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने जिगरी दोस्त के बेटे से सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। कोई भी हिसाब किताब में धोखा ना करने वाले तुम्हारे पिता के मन में एक बात हमेशा आती थी कि हमारी कॉलोनी में रहने वाले सभी गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन चाल चल करके तुम्हारे पिता को पार्टी से निकाल दिया गया था। तुम्हें उसको ठीक करना है, और इसी बात को नियम बना करके अगर तुम अपने रास्ते पे चलोगे तो तुम बहुत जल्द ही कामयाब हो जाओगे बेटा। माफ कीजिए, मैं आपसे मिलने देर से आया। सारी बातें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तभी तो तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा यहाँ रहूंगा। तुम्हें और भी बातें बताऊंगा, मैं इस भाड़े के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चलता हूँ। जा बेटा। अरे अशरफ, तुम यहाँ पर? इस तरफ विश्वनाथ भाई की गाड़ी देखे तो मैं मिलने आ गया। विश्वनाथ भाई, एक लात मारूं तुझे। तुम हमेशा की तरह मुझसे बात करो, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो दिलीप, तुम अशरफ की गाड़ी के पीछे आओ। ठीक है। मुझे तुम्हारे घर चल के तुम्हारे माता पिता से मिलना है, आओ चलो। हाँ पुलिस की चेकिंग चल रही है, अगर वो रोके तो तुम कुछ मत बोलना। गाड़ी तुम जाकर बात करो। मैं जाके आता हूँ। गाड़ी का इंश्योरेंस तो खत्म हो गया। आज मिडनाइट तक है सर, मैं कल भर दूंगा सर। हा? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें देखना था। हाँ वो बात तो है सर, मैं भर दूंगा। अरे 50 रुपए देकर चला जा भाई, रिश्वत देने पड़ेगा। हा? तो क्या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाओगे? आज मिडनाइट तक इंश्योरेंस का टाइम है सर, तो मैं आपको क्यों पैसा दूं? पुलिस से ऐसे बात करते हैं क्या? वो देखो, वो ट्रक आ रहा है ना, वो राज सर का ट्रक है, उसे रोको, नहीं जाने दो। ठीक है सर। ए, पागल है क्या, दिखाई नहीं दे रहा तुझे?
सर हाथ हटाओ। जो ईमानदारी से काम नहीं करता उसे विश्वनाथ को सैल्यूट करने का हक नहीं। सर वो तो खाकी वर्दी पहनकर तुम लोग सड़क पर भीख मांगते हो और इस शराब की लॉरी को तुम लोग प्रोटेक्ट करते हो। हाँ सर वो तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से पब्लिक का पुलिस पर से भरोसा उठ चुका है, समझे? सर मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उतारो वर्दी और ये बैग। ऐसा ही राधा कृष्ण, अब कुछ दिन घर पर जाकर बैठ के बर्तन मांजो, समझे? अगर कोई गलती करता है तो उस पर हाथ उठाओ, भीख मांगने के लिए नहीं। इस लॉरी को कहां जाना चाहिए तुम जानते हो? हाथ लेके जाओ अशरफ। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। सर, मे आई कम इन? यस कम इन। ओहो तुम हो सर। शार्प 10:30 पर ही ज्वाइन करने वाला था लेकिन ट्रैफिक काफी ज्यादा था इसीलिए लेट हो गया सर। उसके कोई कमी नहीं है, हमारे लोग ही तकलीफ उठा रहे हैं ट्रैफिक में, जानते हो ना? जी सर। आखिर में अपनी जगह पे आकर के तुम बहुत खुश हो शायद, है ना? गुड टैलेंटेड 10 पुलिस वालों के बारे में मंत्री जी पूछ रहे थे, उसमें से एक तुम रहोगे मैं समझ गया था। बैठो। पिछले मंत्रियों ने तुम्हारे साथ बॉल की तरह खेला है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ किया, मुझे पता है सब। अरे वहाँ तो क्या, मैं तो देश के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूँ सर। जनता की सेवा के लिए ही तो मैंने ये यूनिफॉर्म पहना है। और सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो मिनिस्टर के मैटर के बारे में चिंता है। कोई बात नहीं, जो भी होता अच्छे के लिए होता है। अब तुम सही जगह पे जाने के लिए तुम्हें बुलाया उन्होंने। ठीक है सर। एनीवेज ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। हाय, आप आए हो? माँ आइए अंदर आइए। माँ बाहर आइए, देखिए कौन आया है। ये क्या अचानक इतने दिनों बाद? हम जैसे ड्यूटी करने वालों को गवर्नमेंट कहाँ एक जगह काम करने देती है, बार बार ट्रांसफर कर देती है। वैसे सर कहाँ है? वो अपने कमरे में है। और हाँ, जब तुम आए हो तो खाना खा कर ही जाना। जी नहीं, आज नहीं, वो तो सर ने मुझे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाया तो मैं आ गया। ओहो, वो कहेंगे तभी आप हमारे यहाँ आएंगे क्या? अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी और दिन आकर खाऊंगा, अपना ही तो घर है। इस तरह मुफ्त का खाना पुलिस वालों को नहीं खाना चाहिए। तुमने क्या कहा? तुम्हारे साथ जिसने पढ़ाई की मैं वही विश्वनाथ हूँ, मैं यहाँ का होम मिनिस्टर हूँ। ओह सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं जानता। माँ ये खाना खा के ही जाएगा, आप तैयार करिए, चलो। ठीक है। बैठो। क्या हुआ? मैं तुझे सैल्यूट करना चाहता हूँ यार, बहुत गर्व हो रहा है तुझे देखकर। कॉलेज के टाइम से ही तो कलेक्टर बनना चाहता था और आज देख बन गया, इसीलिए बहुत प्राउड फील हो रहा है। और तुम पुलिस बनना चाहते थे? हाँ, तुझे सैल्यूट करने वाला पुलिस, लेकिन तू कलेक्टर नहीं बना, तू तो कलेक्टर को ऑर्डर देने वाला मंत्री बन गया है, तुझे तो सैल्यूट करूंगा। हे, बैठो। सब कुछ सही तो चल रहा है ना, तुमने अचानक से मेरा ट्रांसफर यहाँ क्यों करवाया? एक सीरियस बात है यार, वो मेरे डिपार्टमेंट की बात है इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सेंट्रल जेल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, उसी के संबंध में कुछ गुनहगारों की रिपोर्ट मुझे मिली है। ये सब बिहार में हो रहा था ऐसा मैंने पढ़ा, लेकिन ये तो यहाँ भी शुरू हो गया। मुझे इस बात का यकीन नहीं था लेकिन मुझे यकीन करना पड़ा। हमारे जेल के अंदर के कुछ अधिकारियों की मदद से रात के अंधेरे में कुछ गुनहगारों को बाहर भेजकर उनसे मर्डर कराया जा रहा है। उनमें से कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है और कुछ को कत्ल की। यही सब कैदी इसमें शामिल है और उनकी खबर न्यूज में भी आई है। रात में ये लोकल गुंडों के साथ अपना काम करते हैं और सुबह फिर वापस जेल में आ जाते हैं। इन सब का अंत करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, तुम बस ऑर्डर करो, मैं और मेरा पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ है। लेकिन उस क्रिमिनल के साथ भी बहुत से पुलिस वाले मिले हैं, इसलिए हमें बहुत होशियार रहना होगा। हमें कैसे भी करके इन लोगों को रोकना ही पड़ेगा। हमारे शहर की शांति बिगाड़ने वाले लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग सर। बोलो क्या खबर है? सर वो हमें जो जानकारी मिली सच है, अभी से नहीं सर, पहले से शुरू हुई है। वो क्या हुआ, आगे बोलो। इसमें एक प्रॉब्लम है सर। इसी का तो इंतजार कर रहा था, बोलो। इस समस्या का कारण जो है वो है नटराज का भाई सर, वो इस काम को रहस्यमय तरीके से चला रहे हैं सर। हेलो हेलो, तुम अपना यूनिफॉर्म भूलकर तो नहीं आए हो?
तुम्हारे सर पे टोपी है कि नहीं उसकी तुम टेंशन छोड़ो और बस अपना काम करो। सर ये ऑपरेशन मीडिया को बताना होगा। तुम्हारे पीछे किसकी ताकत है तुम जानते हो? सच क्या है हमें लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर परफॉर्मेंस। अरे वाह कॉफी आ गया। ये तो मैं समझ गई थी तुम सब यहाँ कुछ न कुछ प्लान करके आए हो। सही कहा ना? तू तो सोच ही नहीं सकती कि क्या प्लान किया है। क्या प्लान है? तुम जिससे शादी कर रही हो मिनिस्टर के साथ रहने वाला एक ऑफिसर है, इसलिए ये पार्टी ग्रैंड होनी और तुम चाहिए। वो सिर्फ कॉफी पिला रही हो, बहुत कंजूस हो तुम। ओके ओके वो सब करूँगी, पहले ये कॉफी पी के रिलैक्स हो जाओ तुम सब। अभी कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। क्या हुआ फोन नहीं लग रहा है क्या? कैसे लगेगा, बहुत बड़ा आदमी है, कहीं ना कहीं काम में बिजी होगा, है ना? चुप कर। मैं आपको कॉल कर रही थी, कहाँ हैं आप? मैं अभी आती हूँ। मैंने आपको कितनी बार कॉल किया, आपको फोन ही नहीं लग रहा था। आज कौन सा दिन है पता है आपको? तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। सुनो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आपने तो कहा था अगले फ्राइडे को आओगे, सच बताओ मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मैं इसी शहर में हूँ। व्हाट? आज सुबह ही मैंने चार्ज लिया है। कहाँ हो तुम? मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। क्या कहा? मैं आईपीएस ऑफिसर इकबाल हूँ, कोई आम आदमी नहीं जिससे जब चाहे तब मिलोगे। ठीक है ड्यूटी खत्म करके ही मुझे फोन करना। ओके अच्छा सुनो तुम्हें बर्थडे का एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ। क्या है, कहाँ है सरप्राइज? तुम्हारे चैनल का कैमरा लेकर एक जगह पर पहुँचो, वहाँ पर तुम्हारे लिए एक हॉट न्यूज इंतजार कर रही है। ओके ओके डियर, सॉरी फ्रेंड मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, मुझे जाना होगा। वो मेरा बर्थडे गिफ्ट रेडी है ना, उसके लिए मेरा जाना जरूरी है। मैं बाद में कॉल करूंगी, उसके बाद हम सब मिलेंगे। बाय बाय। One minute sir, please sir, sir, listen. सर प्लीज सर बताइए सर, एक्सक्यूज मी सर, कौन है ये लोग? देश में चल रहे आतंकवादी गतिविधियों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो इस बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का नतीजा ये निकला कि इस समस्या का हल जल्द निकाला जाएगा। अब देश की कुछ खबरें जानते हैं। तिरुटंडी शहर में आज तड़के जो रेड डाला गया उस पर हम लोग एक रिपोर्ट देखते हैं। चल बे। इस रेड के दौरान हमारे चैनल की रिपोर्टर अलीना उस जगह पर मौजूद थी। आइए सुनते हैं उनसे कि वहां पर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। कमिश्नर से बात करेंगे, वो हमें बताएंगे पूरी डिटेल में। सर सर बताइए सर, ये सर प्लीज सर बताइए सर, एक्सक्यूज मी माया, कल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिसके कारण ही पुलिस ने ये रेड डाली है, और अभी तो हमने जनता को सिर्फ ये सैंपल ही दिखाया है क्योंकि पकड़ा गया आदमी नटराजन का खास आदमी है। नहीं आप कुछ भी मत बोलो, आपको किसी और की उलझुल बातें सुनकर कहीं भी इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए था। सुनो तुम्हारे कहने से अरेस्ट कराया गया वो सिर्फ मिनिस्टर का भाई नहीं है बल्कि वो नटराज का खास आदमी बल्कि उसका सेक्रेटरी भी है। हाँ आप जो कह रहे हैं सेक्रेटरी गरीब लोगों की सेहत बनाने के लिए दूध नहीं दे रहा था बल्कि शराब गांजा चरस अफीम ये सब का धंधा कर रहा था। वो ये सब कैसे बेचना है उसकी क्लास चला रहा है। विश्वनाथ पार्टी में सब नहीं चलता। अच्छा है। आप कह रहे हैं कि ये सब पार्टी में नहीं चलता है। ऐसे ही ध्यान न देने से कोलमपुरम में बम ब्लास्ट हुआ था और कश्मीर में बम ब्लास्ट होने से हमारे कई नौजवान मारे गए थे और शांति से रहने वाले हमारे शहर तमिलनाडु में ये सब साजिशें चल रही हैं। ये ठीक नहीं है। अगर हमने अब कुछ भी किया तो विपक्ष की पार्टियां हमें पतंग बनाकर उड़ाएगी और तुम्हें कलंक बनाकर के सामने पेश करेगी, समझे क्या? ऐसा नहीं है सर, आप ऐसी बातें मत करिए। मैं इलेक्शन में खड़ा होकर इसलिए नहीं जीता कि मैं आलीशान गाड़ियों में घूमूं, बल्कि इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए जीता हूं। बताइए आपको इसमें कोई शक है क्या? विश्वनाथ नटराज को तुम बहुत हल्के में ले रहे हो, उसका कोई समाधान निकालोगे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं सीएम, जवाब निकालने के लिए उसे टॉर्चर मत करो, उसे अभी कुर्सी पर बैठकर राज करने दो। हम इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते, हम इसको यहीं खत्म करना चाहते। वेल डन मिस्टर मिनिस्टर विश्वनाथ। इस तरह से तुम इस कुर्सी पर बहुत दिन तक नहीं टिक पाओगे, पुलिस से कह के हमारे लोग अभी छुड़ा दो। ये क्या, मैं तो एक साधारण सा मंत्री हूँ, अगर कोई हमारे समाज में कुछ गलत कर रहा है अगर उसे पुलिस पकड़े तो उसका जो फैसला है वो पुलिस और कोर्ट ही करेगी।
इसमें कोई शक नहीं है सीएम को। एक मिनट, ये जो पद तुम्हें तुम्हारे पिता की वजह से मिला है ना, उसे पाकर के तुम ज्यादा उड़ो मत। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एहसान है। अगर हमारे खिलाफ कदम उठाओगे तो ज्यादा दिन तक इस कुर्सी पर बैठ नहीं पाओगे। अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें इस पार्टी में मिनिस्टर बने हुए। यहाँ की बारीकियाँ सीखने में अभी तुम्हें बहुत समय लगने वाला है। तुम्हारी इस हरकत से कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला है और हमारे खिलाफ तुम कोई भी कदम नहीं उठा सकते हो। समझ गया, गुंडे ही तुम्हारी असली ताकत है। हाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे जो वोट मिला है वो साधारण लोगों का वोट है। मेरे देश के खिलाफ कदम उठाने वाले लोग इस देश में नहीं रह सकते हैं। इसका भाई अत्याचार और अन्याय करके बंगला और रिजॉर्ट में अच्छे से घूमेगा, और तो और जो पुलिस उसे ढूंढने जाती उसे अपमान और बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं मिलता। फिलहाल यहाँ के यही हालात हैं, और हम कितना सहन करेंगे आप ही जवाब दीजिए। और हमारे लोग ये कब तक सहन करेंगे? इसका कारण पूर्व मंत्री हो या पूर्व मंत्री का बेटा, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और तो और मैं उसे जेल की सजा दिलाकर ही रहूंगा। और इसका फैसला आप करेंगे सीएम सर। हमारी पार्टी का झंडा इस्तेमाल करने वाला कोई भी उसकी जरूरत नहीं। जिस जिस रावड़ी का जहां जहां पर भी कांटेक्ट है, और तो और उन्हें कौन हथियार सप्लाई करवाता है, उन सबको पकड़कर जेल के अंदर डालना ही होगा। और ये सब करने के लिए मुझे जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। सारी बातें आपने सुन ली ना? गुड। सीएम को पता है या नहीं, शाम को पत्नी से लड़े तो रात में अकेले सोना पड़ेगा, कह देता हूँ। वो एक कहावत तुमने सुनी होगी कि सोए हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने उसे खोद के जगा दिया। करेक्ट। अब ऐसा ही होगा। बाहर उतरो, गाड़ी की तलाशी लेनी है। किस लिए सर? बताऊंगा तभी गाड़ी से उतरोगे। पिताजी बीमार हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। अच्छा, इस रास्ते से कौन सा हॉस्पिटल आता है? वो क्या है सर, सिटी हॉस्पिटल में सर। इस घने जंगल में सिटी हॉस्पिटल ढूंढने निकले हो तुम? बैठो बैठो। अभी आप कैसे हैं सर? सर मैं काफी दर्द है। अच्छा तुम कॉफी पियोगे? नहीं सर, मैं अभी पी करके आया हूँ। ओके, उस केस के बारे में कोई अपडेट? सर विजय कुमार को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं सर। गुड, लेकिन उसे तुम कैसे जानते हो? सर उसके बारे में कहें तो उसकी सारी हिस्ट्री हमारे पास है सर। सर वो 10 से लेकर के पीजी तक स्टेट लेवल रैंक होल्डर था। उसके बाद उसने जर्नलिज्म किया, फिर कुछ दिन प्राइवेट कंपनी में काम किया, 9 महीने काम करके नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज में पार्ट टाइम 1.5 साल तक काम किया, फिर मुंबई में पब्लिश हो रहे माइंड मिरर में 2 साल काम किया उसने। वहां चीफ एडिटर से पंगा हो गया, उसके लिए उन्होंने केस को फाइल नहीं किया, लेकिन एक शर्त रखा मुंबई छोड़ देने का। वहां उसे बुरी आदतों की लत लग गई, जैसे ड्रग्स। 1 साल पहले मैं रूरल एरिया में काम कर रहा था, तब मेरे हाथ लगा था। बाहर में लफड़ा किया था उसने। उसने एक इंसान को चाकू मारा, लेकिन वो नहीं मारा था। मैंने जब उसे पकड़ा था उसके हाथ में ड्रग्स था।
उसकी जमानत देने के लिए कोई नहीं आया, वो अभी तक जेल में ही है सर। वो फोन उठाकर देखो किसका है। हेलो। हाय मेरे प्यारे पुलिस, कहाँ हो तुम अभी? कल गुंडों के साथ तुमने क्या खेल खेला, बहुत मजा आया मुझे। मैं सर को देता हूँ सर। अरे हेलो। हेलो, कम से कम तुम अपना मोबाइल फोन तो खुद उठा लिया करो, उसके लिए असिस्टेंट रख लिया क्या? तुम फोन कहाँ से कर रही हो? आसमान से, मैं इतनी दूरी पे रहती हूँ ना इसलिए। बताओ बात क्या है? सुनिए पुलिस जी, आप गुंडों का पीछा कर रहे हैं, ये बात मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना आपको, तभी तो मैं लाइव सबको दिखा पाती ना, बताइए। अच्छा, इस वक्त एक सिटी का बहुत बड़ा मंत्री सीरियस हालत में है, क्या तुम उसका लाइव टेलीकास्ट दिखा सकती हो? खैर ये सब बात छोड़ो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है ना? नहीं, बस थोड़ी सी दिमाग पर चोट लगी है और कुछ नहीं। दिमाग पे चोट लगी है? हम रेडी हैं। ठीक है, मेरी रिपोर्टिंग की टाइम हो गई, पर फोन कट मत करना ठीक है ना? नमस्ते, मैं एलिना एंटोनी, आप सबका स्वागत करती हूँ। सिटी पुलिस कमिश्नर ने जो कल रेड डाली थी, उस रेड में दो गुनहगारों ने पुलिस वालों पे हमला किया है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। उन लोगों पे डकैती हत्या के बहुत सारे आरोप हैं। ये लोग पुलिस से बहुत पहले ही बच के भाग रहे थे। इसके बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस कमिश्नर हमारे साथ लाइन पे है। कमिश्नर मिस्टर इगू, कमिश्नर सर, अभी आपने मेरी बातें सुनी होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस हमले में आपको चोट लगी है? आप जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि आपको चोट लगी है, यही बात है ना सर? सॉरी सर, जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? ये खबर आपको किसने दी? मीडिया से बात करने के लिए पुलिस का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है, आप उनसे बात कीजिए। माफ करिएगा, फोन कट गया या नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जो भी हो, मुझे लग रहा है कमिश्नर सर अभी बताने के मूड में नहीं है। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।